कसूर में दरिंदगी का निशाना बनने वाली नन्नी जैनब बहुत सी यादें छोड़ गई। नन्नी परी ने एक सबक पढ़ना था वो जो ना पढ़ सकी। वो सबक क्या था बता रही हैं अफीफा नसरुल्ला। जैनब तो इस दुनिया में अपने वालदैन को रोता बिलकता छोड़ गई है, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ रह गया है तो उसकी यादें हैं, उसके कपड़े, उसके जूते, उसकी किताबें। ये वो सूट है जिसे आखिरी बार जैनब पहन के गई थी। हम दिखाएंगे वो बस्ता जिस पे बारबी डोल बनी है। ये बारबी डोल उस बारबी डोल की है जिसने अपनी किताबों को संभाल संभाल के रखा था। ये उसकी डायरी है जिस पे टीचर ने उसको सबक दिया था। 4 तारीख को इसने अपनी आखिरी क्लास ली थी, अपना आखिरी सबक लिखा था, जिसका पहला उनवान यही था कि अल्लाह का पैगंबर। अल्लाह के पैगंबर कौन कौन से हैं? अल्लाह के उन पैगंबरों ने जिन्होंने इस कायनात को हदायत के लिए आए थे यहाँ पर देने के लिए। ये उर्दू की किताब है और बहुत सी किताबें हैं। उसकी लिखाई जिस कदर खूबसूरत है वो इन किताबों से नज़र आ रहा है। इस उम्र के बच्चों की इतनी खूबसूरत लिखाई नहीं हुआ करती। उसके ये दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, उसको याद करते हैं, उनके साथ खेलते थे। ये उनके साथ नहीं पढ़ते थे, लेकिन इनके साथ, ये जैनब के साथ खेलते थे। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे। कब वो हमारे घर आती होती तो बहुत ही खुशी से आती होती थी और हमारे साथ खेलती होती थी। कभी मैं उसे बुलाने चले जाती थी, कभी वो मुझे बुलाने आती होती थी, तो वो मेरे साथ रोज़ाना खेलती होती। बहुत अच्छा पढ़ती थी, पता नहीं किस जालिम ने उसे पकड़ के मारा। जैसे उसने उसे मारा वैसे इंशाल्लाह उसे भी फांसी पर चढ़ाया जाए। बच्चों की उस तरह की फरियाद है, इनका भी हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इंसाफ कब दिया जाएगा। जी।